35 चालीस ऑडिशंस आपने दिए डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस को फॉर डिफरेंट प्रोजेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम उसमें मोर सो देन दी एक्टिंग होता था कि यार कईयों ने कहा हुआ है ऑन माय फेस कि मैं हीरो नहीं लगता अच्छा और कईयों ने कहा हुआ है कि यार छोटा लगता है अरे वो पहले कहा यार मैं इन चीजों का मैं कुछ कर नहीं सकता मैं, मैं हीरो कैसे नहीं लगता हीरो तो लगते हो सर वो लोग

घर भी जाना है पीछे है, वो कोई अचीव भी कर रहा था।, था बहुत शदीद स्ट्रेस था फिर मैंने बीच में थोड़े से और पैसे मंगवाए घर से अब्बू से मुझे शदीद जलालत हुई क्योंकि अब्बू ने फिर मुझे उस टाइम पे ये भी कह दिया उन्होंने मुझे एक एक मखसूस वक्त दे दिया एक टाइम विंडो मिल गई मुझे कि दिस इज इट दिस इज इट इसके बाद यू कैन नॉट परस्यू दिस फिर आ जाओ वापस काम और अभी तक उन्होंने नहीं कहाके खाने आजाना है और अगर ये करता रहा तो शायद फिर इसको बाकी बड़ा जुनून है तो वो उस चीज के भी बड़े अच्छी बात है जी सोल सा दिस इज वेरी गुड दिस इज अ गुड लेसन फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि बच्चों को छोड़ो यार पता खुद ही चल जाएगा जी सर बस वो हमारी ऊपर से ट्रेनिंग भी ऐसी थी कि मुझे ये बिल्कुल भी कभी इस चीज की वो हुई नहीं मतलब तो महसूस नहीं हुआ कि बड़ा कोई ग्राइंड में से गुजरा ये वो मैं उल्टा एंजॉय कर रहा था क्योंकि सर फ्रॉम वेयर आई वाज कमिंग आई टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैड सम वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज जिंदगी गुजारने के लिए और वर्क वर्क वाइज वर्क वाइज प्रोफेशनली आई हैड सम

और और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मैं में किसी को फिट नहीं करना चाहता कम नहीं खाते जो खाते वो बड़ा अच्छा खाते है बट मैं अपनी बात कर रहा आ था बिकॉज आई डेंट नॉट नो ये जर्नी कहाँ पे लेके जाएगी ये सर अगर मेरे वाले साहब अब मुझे जहां तक समझ आती है अगर उनकी इंटरफेरेंस होती भी या वो अपनी पावर या अपनी पोजिशन को यूज करते भी तो अगर मेरे नसीब में ना लिखा होता तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाता मैं उनकी क्योंकि मैंने फिर ये एग्जांपल्स देखी भी हैं थोड़ा मैंने ऑब्सली साथ साथ स्टडी भी करता था हाउ द इंडस्ट्री मूव्स बाहर भी यहाँ पे भी बहुत, बहुत बहुत बड़े नाम आपके क्रॉस बॉर्डर जो आपका मुल्क है हमारा हमसाया मुल्क है उधर से इतने इतने पावरफुल लोग हैं जिन्होंने आगे से अपने बच्चों को नहीं कर सके लेकर आए हैं वो नहीं हो सका तो यहाँ से ये समझ आ गए कि ये काम ऐसा है कि इसमें जो आपकी ऑडियंस है उसने डिसाइड करना है कि आपने करना है या नहीं करना उनके लिए तो बस यही था अभी तो तक यही है कराची से फिर वो लाहौर कैसे फिर हुए फिर वापस काशिप के साथ सर वो ये था कि जब ये ऑडिशंस वाला काम नहीं बन पा रहा था और जो रोल्स मिल रहे थे वो हीरो का भाई बहन का भाई, नहीं सर हीरो का भाई भी नहीं विलन का दोस्त ओ के मतलब उसने दो एपिसोड में आना बस लड़ाई के लिए ओ हो 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 तो मैं फिर आखिरी पॉइंट पे आके विलन के भाई का एक कैरेक्टर एक्सेप्ट भी कर लिया मैंने कहा मैं कर लूंगा मुझे कुछ पैसे आए कहीं से बिकॉज ये तो खत्म हो रहा है खर्चा और अब दोबारा मांगने की वो नहीं होगी हिम्मत नहीं मांग पाऊंगा तो वो भी पाइपलाइन होना शुरू हो गया मैं गया यार ये काम थोड़ा खराब है फिर मैंने फिर यहाँ पे आपका कराची आर्ट्स काउंसिल है जी मैं वहां पे गया वहां पे दावर महमूद साहब हैं बिल्कुल वो थिएटर करते हैं

से तो मैंने मैंने उनसे कहा कि सर सर मुझे आपने के साथ कभी काम वैसे किया हुआ नहीं उनकी बड़े तरले मेहनत की थी लेकिन अब उन्होंने काम काफी कम कर दिया हाँ। उनका वो वक्त और था शायद जब वो यहां मैंने भी रिजेक्ट किया तो उन्होंने दावर साहब से कहा कि यार ये लड़का है अपना बॉय है मिल लो तो मैं दावर साहब के पास गया मैं सर मैं मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ा ना ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लोग जो मिलते हैं ना जिंदगी में वो कह लें वो मुझे ऐसे ही लगता है कि वालिद साहब के एजेंट्स हैं वो सेम वही एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स और वही सारी चीज़ें लेकर आते हैं मैं दावर साहब के पास गया मैंने उनको कहा सर मैंने थिएटर पे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ उस टाइम वो कर रहे थे अनकही एक थिएटर हो रहा था अनकही तो उन्होंने कहा कि अच्छा लड़के ऑडिशन वगैरह करते हैं फिर देखते हैं तो मैंने ऑडिशन दिया कहते हैं ठीक है कर लेते हो तुम काम लेकिन मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगा तुम एडी की जॉब करो ये मैंने बात पहले नहीं बताई हुई कहीं पे भी तो मतलब असिस्टन डिरेक्टर। असिस्टन डिरेक्टर। एडी एडी मतलब असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर थर्ड क्योंकि दो एडीज थे, AD. थे उनके पहले से जो उनका मेन एसोसिएट था और एक उनका सेकेंड एडी था तो मुझे थर्ड एडी की जॉब मिल गई तो उन्होंने कहा कि तुम जॉब करो और हम जब टूर करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं तुम्हें बैकअप में ये फलाने वाला कैरेक्टर करवाऊंगा मैंने कहा ठीक है पैसे मिलेंगे इसमें कुछ तो उन्होंने मुझे कहा कि जी पैंतीस हजार रुपया महीने का मैंने कहा मैं <laughs> दे <किर्वाएं> जो तो <laughs> <laughs> तो अब दिस इज वेरी मतलब टू द आई कमिंग फ्रॉम बट मैं इसको बड़ा इंजॉय कर रहा था इस सारी चीज को क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी मर्जी से आया था और मैं ये करना चाह रहा था मैं चाह रहा था मैं भी यही चाह रहा था कि ये सीख मिले एक तो फिर उनके साथ ए डी लगा रहा सारी रिहर्सल होती रही दो ढाई महीने मैंने वो किया और ड्रामा ऑनर आने में, में मेरा ख्याल है नौ दस दिन रह गए थे तो कोविड आ गया और कराची में ही पहले पेशेंट्स आए हाँ। और मजे की बात सर ये है जितने कोविड के वो सिम्टम्स बता रहे थे ना सब मुझे थे <laughs> मैं मेरा ख्याल है वो जो खबरों में 2020 जब भी था कोविड हाँ, 19, March, 19? March, 2020 29, जब भी COVID, जब कोविड आ आ आ रहा था कि हाँ, हाँ, तीन गए हैं 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 बाहर से हाँ, उस और, वो वो फैला चुके थे दर्दें आ रही दर्दें जा रही जा ये वो, और ये और मैंने बाद में टीवी पे देखे ना जब सिमटम्स हाँ, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था जॉब की वजह से तो एक दिन मैंने गेस्ट हाउस में खबरें लगा के देखा मैंने कहा <laughs> उसके बाद हुआ है कभी नहीं मैं बताता हूँ आपको तो मैं मेरा ख्याल है जो पहले पचास पेशेंट्स आए थे ना जो पाकिस्तान के जो आ रहा था कि पचास लोगों को फैल चुके हैं मैं उनमें से एक था तो लगा कैसे पहले पचास मैं थिएटर जा रहा था ना तो थिएटर पे बहुत ज्यादा वो उनकी हाँ। वर्क फोर्स थी और वो सारे आके मिल रहे हैं झपकिया डाल रहे हैं और ये वो मैं तो क्रू के साथ होता था तो मेरा ख्याल है वहां से कोई एक भाई लेकर आए और उन्होंने फैलाया फिर उसके बाद आपको स्पीड तो उसकी पता है एक बड़ी रैपिड स्पीड पे फैला था तो मैं कोविड भी मुझे हो गया

या फारग रहना वो जो चंद एक महीने थे क्योंकि सब पूरी दुनिया बंद थी वो जब खुला तो फिर दोबारा मैं चूंकि सर ये इस नेटवर्क में मैं स्कूल वाले टाइम से ही था जहाँ पे बच्चे आर्ट्स एंड मीडिया वाली फील्ड में जाना चाह रहे थे तो वो वाले थे कनेक्शन फिर दानयाल था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त जो कि थोड़ा पहले से काम में आ गया था और वो जानता था लोगों को तो उससे भी बातें हुई और लोगों से भी बातें हुई तो फिर आप स्टोर के काशिम निसार साहब हैं Funnily, my father has worked with Kashif Nisar एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था 2014 में या 13 में उल्लू बराए पर बिल्कुल, 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 और वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था तो मुझे पता चला कि लाहौर में क्योंकि अबू लाहौर से बाहर काम नहीं करते थे तो पता चला कि लाहौर में ही है बारी स्टूडियोज बैठते हैं वहां गया वहाँ पे उधर गया उनकी कोर्डिनेटर का नंबर किसी से लिया